नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और शनिवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज रात 8:30 तक रहेगी और आज देर रात 2:49 पर मूल नक्षत्र रहेगा, 49 तक मूल नक्षत्र रहेगा। आज दोपहर 2:14 पर शुक्राचार्य धनु राशि में मार्गी हो जाएंगे। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की, आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 5 फरवरी की सुबह 6:42 से देर रात 3:47 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 30 जनवरी की रात 12:23 से अगली सुबह 6:45 तक रहेगा। और इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 7:11 पर शुरू हुआ था और दोपहर 12:31 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर 2:27 से शाम 6:02 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त तो नहीं है। अब ये मुहूर्त कल यानी कि 30 जनवरी की सुबह 8:30 से दोपहर 12:57 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त तो नहीं है। अब यह मुहूर्त 3 फरवरी की सुबह 7:38 से सुबह 9:42 तक, और एक बार फिर दोपहर पहले 11:06 से दोपहर 12:42 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त तो नहीं है। अब यह मुहूर्त 2 फरवरी की सुबह 7:39 से सुबह 9:45 तक, और एक बार फिर दोपहर पहले 11:10 से दोपहर 12:42 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त तो नहीं है। अब यह मुहूर्त कल सुबह 8:30 से दोपहर 12:57 तक, और एक बार फिर दोपहर 2:53 से शाम 5:59 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 2 फरवरी की सुबह 9:01 से सुबह 9:45 तक, और फिर दोपहर पहले 11:10 से शाम 4:56 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 9:08 से रात 9:49 तक, और फिर रात 12:01 से देर रात 3:19 तक रहेगा। और अब बात आती है शुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर 2:56 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहु काल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहु काल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा सुबह 9:53 से दोपहर पहले 11:14 तक। मुंबई सुबह 10:03 से दोपहर पहले 11:27 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:56 से दोपहर पहले 11:16 तक।
लखनऊ सुबह 9:37 से 10:58 तक, भोपाल सुबह 9:48 से दोपहर पहले 11:10 तक, कोलकाता सुबह 9:03 से 10:27 तक, अहमदाबाद सुबह 10:07 से दोपहर पहले 11:30 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 9:29 से 10:55 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन खुशनुमा रहेगा, आप खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे। आज आपको अपनी सेहत का फल भी अवश्य मिलेगा। बिजनेस में मिले नए कॉन्ट्रैक्ट से आपको फायदा होगा। आज कुछ लोगों को आपकी उदारता पसंद आएगी। ऑफिस में सहकर्मी आपकी मदद के लिए तैयार खड़े रहेंगे। छात्रों को जल्द ही बड़ी सफलता हासिल होगी। आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। शाम तक कोई शुभ समाचार मिलने से घर में खुशियों का माहौल बनेगा। इस राशि के विवाहितों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। सोशल मीडिया पर किसी पुराने दोस्त से बात हो सकती है। आपके दिए हुए उपहार से जीवन साथी प्रसन्न होंगे। ऑफिस में आपको किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलेगी। आज आपको पैसों के लेन देन से बचना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज आपके ऊपर काम का बोझ ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से आप थकान महसूस करेंगे। किसी काम में अनुभवी की राय आपके लिए बेहतर साबित होगी। जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों को लेकर आप ज्यादा ही भावुक हो सकते हैं। आज आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल बनाकर रखना चाहिए। किसी काम के लिए माता पिता से ली गई सलाह आपके लिए बेहतर रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज आपके जीवन में नए नए बदलाव होंगे। अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको तरक्की के कई नए रास्ते खुलेंगे आपके लिए। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन फेवरेबल है। आपको किसी समस्या को सुलझाने का रास्ता तुरंत मिलेगा। ऑफिस में आपको अपने सीनियर्स का सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी आपकी भावनाओं का सम्मान करेंगे। आपके साथ सब अच्छा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। ऑफिस में काम को पूरा करने में पूरी तरह से आप सक्षम होंगे। इस राशि के लॉ की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। किसी सीनियर वकील के साथ इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। आप जिससे भी मदद की उम्मीद करेंगे उससे मदद मिल जाएगी। आपको सभी काम में सफलता हासिल होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आज आपको किसी पारिवारिक समारोह में जाने का मौका मिलेगा। आज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा। सीनियर्स आपके किसी काम से काफी खुश होंगे। सेहत के लिहाज से आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। नौकरी में आज आपको पदोन्नति होने के योग बने हुए हैं। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। आज आप नया व्यापार शुरू करने का मन बनाएंगे। आज आपका मन पूजा पाठ में अधिक रहेगा। आज सोशल मीडिया के जरिए आपका कोई नया दोस्त बनेगा। किसी कठिन परिस्थिति में आपको कुछ लोगों से मदद मिलेगी। आज आपके भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। कुल मिलाकर दिन अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। किसी काम में अनुमान से ज्यादा ही मेहनत और समय लगेगा। आज आप रिश्तों में सुधार लाने की कोशिश करेंगे। कोई भी फैसला आपको सोच समझ कर लेना चाहिए। आज आपके कुछ खास कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। छात्रों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। लवमेट्स एक दूसरे को समझाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आपको नए लोगों से थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। किसी भी काम में बड़ों की सलाह लेना बेहतर रहेगा। बच्चे पढ़ाई के प्रति कुछ कम रुचि ले सकते हैं। बिजनेस में विरोधियों से आपको बचकर रहना चाहिए। ऑफिस में सीनियर्स आपके काम से खुश होकर आपको कुछ गिफ्ट करेंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। आपको अचानक धन लाभ होगा।
आपकी कई योजनाएं समय से पूरी हो जाएंगी, आपके परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा, कार्यक्षेत्र में आपको अच्छी खासी सफलता मिलेगी, अपनी ऊर्जा से आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आप नए कदम उठाएंगे, बच्चे आपको गर्व करने की वजह देंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन घूमने फिरने में बीतेगा, आप परिवार वालों के साथ समय व्यतीत करेंगे, इस राशि के व्यापारियों को धन लाभ होगा। आज आपका पूरा ध्यान अपने करियर को आगे बढ़ाने पर रहेगा, किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करके आपको काफी अच्छा महसूस होगा। राजनीति से जुड़े लोगों का सम्मान बढ़ेगा, आज आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज आप लोगों को अपनी बातों से सहमत करने में सफल होंगे, घर पर किसी रिश्तेदार के आने से परिवार में खुशी का माहौल बनेगा, आज आपकी तरक्की के नए रास्ते नजर आएंगे, परिवार के साथ बेहतर समय बीतेगा, सोचे हुए कुछ जरूरी काम आज पूरे होंगे। आज पूरे दिन आपके चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहेगी। तकनीकी क्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन फेवरेबल है। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज सूर्य को नमस्कार करें, सूर्य नमस्कार करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज तुलसी में दीपक जलाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज लवमेट से मन की बात कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। मूलांक 2, ऑफिस में किसी काम को लेकर किसी सहयोगी से मदद लेंगे। मूलांक 3, बिजनेस में कोई डील फाइनल करना चाहते हैं तो आज का दिन अच्छा है। मूलांक 4, आज आप घर के रुके हुए कार्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मूलांक 5, आज आप बच्चों को साइकिल गिफ्ट करेंगे जिससे वे बहुत प्रसन्न होंगे। मूलांक 6, बुजुर्गों की सेहत अच्छी रहेगी, कुछ देर टहलना आपके लिए फायदेमंद होगा। मूलांक 7, आपको पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा, इससे आपके काम जल्दी पूरे होंगे। मूलांक 8, समाज में आपकी पहचान बढ़ेगी, आपके कार्यों से लोग प्रभावित होंगे। मूलांक 9, दोस्तों के साथ कुछ समय बिताएंगे, आपकी दोस्ती और मजबूत होगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे बेसमेंट बनवाते समय दिशा के अलावा किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो घर में बेसमेंट बनवाना अशुभ माना जाता है, लेकिन फिर भी अगर बनवा ही रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। सबसे पहले तो आप बेसमेंट का निर्माण चाहे किन्हीं कारणों से कर रहे हों, लेकिन बेसमेंट को कभी भी निवास के लिए उपयोग में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। इसके अलावा बेसमेंट की छत 9 से 10 फुट ऊंची बनवानी चाहिए, ताकि बेसमेंट पूरी तरह से जमीन के अंदर ना हो और उस और ऊपर की तरफ पूर्व दिशा में खिड़कियां बनवाइए, जिससे रोशनी और हवा का प्रवाह बना रहे। बेसमेंट के अंदर गुलाबी या हरा रंग करवाना अच्छा रहता है, जबकि काला और लाल रंग कतई भी नहीं करवाना चाहिए। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा, बेसमेंट बनवाते वक्त दिशा के अलावा अन्य किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपना कर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और शनिवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज रात 8:30 पर रहेगी, उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। फिलहाल चर्चा करेंगे द्वादशी तिथि की। शास्त्रों में माघ महीने की द्वादशी तिथि का बड़ा ही महत्व है, फिर चाहे वो माघ कृष्ण पक्ष की द्वादशी हो या शुक्ल पक्ष की द्वादशी। आपको बता दूं कि द्वादशी तिथि में माधव की पूजा का विधान है। कहा भी गया है, अहो रात्रेण द्वादश्याम माघ मासे तो माधवम राजसूयम वापनोति कुलम चैव समुद्धरेत। अर्थात माघ महीने के द्वादशी तिथि को रात दिन उपवास करके माधव की पूजा करने से उपासक को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वो अपने कुल का उद्धार करता है। इसीलिए माघ द्वादशी का बड़ा ही महत्व है। माना जाता है कि तिल की उत्पत्ति भी द्वादशी तिथि को ही हुई थी, इसलिए आज मुख्य रूप से तिल से भगवान विष्णु की पूजा करने और द्वादशी का व्रत करने का विधान है। इसके अलावा आज तिल से स्नान और हवन का भी बड़ा महत्व है। आज ऐसा करने से व्यक्ति को खूब मान सम्मान मिलता है, जीवन में प्रसिद्धि मिलती है, साथ ही हर तरह का लाभ मिलता है। तो ये थी चर्चा माघ द्वादशी की। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले नक्षत्र की। आज देर रात 2:49 तक मूल नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से 19वां नक्षत्र मूल नक्षत्र को माना जाता है। मूल का अर्थ होता है केंद्रीय बिंदु या जड़। इसका प्रतीक चिन्ह भी एक साथ बंधी हुई कुछ पौधों की जड़ों को माना जाता है। साथ ही मूल नक्षत्र का संबंध साल के पेड़ से बताया गया है।
सनातन धर्म के अलावा बौद्ध धर्म में भी इस पेड़ को पवित्र पेड़ों की श्रेणी में रखा जाता है। लिहाजा मूल नक्षत्र में जन्मे लोगों को साल के पेड़ की उपासना खासतौर से आज के दिन जरूर करनी चाहिए, इससे आपके जीवन में तरक्की सुनिश्चित होगी। तो ये थी चर्चा मूल नक्षत्र की, और अब बात करते हैं शुक्राचार्य के मार्गी गोचर की। आज दोपहर 2:14 पर शुक्राचार्य धनु राशि में मार्गी होंगे। बता दूं कि इसके पहले शुक्राचार्य वक्री गति से गोचर करते हुए 30 दिसंबर की सुबह 7:57 पर धनु राशि में आए थे, और आज दोपहर 2:14 पर धनु राशि में मार्गी यानी कि सीधी गति से गोचर करने लगेंगे, और मार्गी गति से गोचर करते हुए 27 फरवरी की सुबह 10:17 पर पुनः मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र के गोचर को समझने के लिए आपको मार्गी और वक्री का अर्थ समझना होगा। हमारे सौर मंडल के सारे ग्रह एक दूसरे से लाखों किलोमीटर दूर हैं और सभी सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। सबके अपने परिक्रमा पथ हैं, सबकी तरह पृथ्वी का भी अपना एक परिक्रमा पथ है और वो भी सूर्य का चक्कर लगाती रहती है। कभी कभी पृथ्वी किसी धीमे चल रहे ग्रह के बगल से तेजी से गुजरती है तो लगता है कि धीमे चल रहा ग्रह पीछे छूट रहा है, जैसे वो उल्टी दिशा में जा रहा है। आप जानते हैं कि दो रेलगाड़ियां हो, एक धीमे धीमे चल रही हो, एक तेजी से गुजरे उसके बगल से, तो लगेगा कि ये वाली पीछे जा रही है, जबकि जा दोनों एक ही दिशा में रहे। वास्तव में वो उसी दिशा में जा रही होती है जिस दिशा में दूसरी रेलगाड़ी जा रही है। तो जब किसी धीमे चल रहे ग्रह के बगल से पृथ्वी तेजी से गुजरती है तो ऐसा आभास होता है कि वो दूसरा ग्रह पीछे जा रहा है। ठीक वही बात ग्रहों और पृथ्वी के बीच, जैसे दो रेलगाड़ियों के बीच, इसी को वक्री या मार्गी कहते हैं। जब उल्टा चलता लगे तो वक्री, और जब सीधा चले तो मार्गी। मतलब उल्टा चलता लगता है, उल्टा चलता नहीं है, लेकिन अब पृथ्वी के बगल से तो उल्टा चलता हुआ गुजरा ना, वो भले ही उल्टा नहीं चल रहा है तो इम्पैक्ट वक्री हो गया। यहाँ एक बात बता दूं कि सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं और राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, और बाकी पांच ग्रह पृथ्वी के सापेक्ष अपनी गति के कारण कभी मार्गी तो कभी वक्री होते रहते हैं। फिलहाल शुक्र के धनु राशि में इस मार्गी गोचर से विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव होंगे, शुक्र आपकी जन्म पत्रिका में किस स्थान पर गोचर करेंगे, साथ ही शुक्र की शुभ स्थिति के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इस सबकी चर्चा करेंगे। मेष राशि वालों, शुक्राचार्य आपके नवे स्थान पर गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपका भाग्योदय होगा, आपको अपनी मेहनत के बल पर धन लाभ होगा और संतान का सुख प्राप्त होगा। 27 फरवरी तक आप अपनी मेहनत से कुछ भी पा सकते हैं, इससे आपके जीवन की स्थिति बेहतर और मजबूत होगी। लिहाजा 27 फरवरी तक शुक्र की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए काली या लाल गाय की सेवा करें। वृष राशि वालों, शुक्राचार्य आपके आठवें स्थान पर गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। आपको 27 फरवरी तक अपने जीवन साथी की हर बात माननी चाहिए। शत्रुओं को परास्त करने के लिए उठाए गए आपके कदम कारगर साबित हो सकते हैं, तो 27 फरवरी तक शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आपको मंदिर में जाकर सर झुकाना चाहिए। मिथुन राशि वालों, शुक्राचार्य आपके सातवें स्थान पर गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपका स्वभाव दूसरों के प्रति नरम बना रहेगा। आपको इस दौरान सुख की प्राप्ति होगी, जीवन साथी से आपके संबंध ठीक बने रहेंगे, उनकी सेहत भी इस दौरान ठीक होगी रहेगी, साथ ही आपको परिवार का सहयोग मिलता रहेगा। लिहाजा 27 फरवरी तक शुक्र के शुभ फल बनाए रखने के लिए माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। कर्क राशि वालों, शुक्राचार्य आपके छठे स्थान पर गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपके पास धन सामान्य रूप से बना रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, आपको समय समय पर अपने भाई बंधुओं का सहयोग मिलता रहेगा। 27 फरवरी तक आपके परिवार की उन्नति होगी, तो आज से 27 फरवरी तक अपनी स्थिति ठीक बनाए रखने के लिए घर की महिला अपने बालों में सोने के कलर का यानी गोल्डन कलर का हेयर क्लिप लगा कर रखें। सिंह राशि वालों, शुक्राचार्य आपके पांचवें स्थान पर गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर से धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी और परिवार के प्रति लगाव बढ़ेगा, साथ ही 27 फरवरी तक आपको संतान से अधिक सुख की आशा नहीं रखनी चाहिए और इस दौरान आपको अपने सौंदर्य प्रसाधनों को संभाल कर रखने की जरूरत है। लिहाजा शुक्र के अशुभ फलों से बचने और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मंदिर या धर्म स्थल पर दूध का दान करें, साथ ही गाय की सेवा करें। कन्या राशि वालों, शुक्राचार्य आपके चौथे स्थान पर गोचर करेंगे।
शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपको भूमि, भवन और वाहन का सुख मिलेगा। आपको एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस के प्रति सतर्क रहना चाहिए। साथ ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। 27 फरवरी तक आपकी आराम पसंद और हरफन मौला लोगों से मुलाकात हो सकती है। लिहाजा शुक्र की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमीन के नीचे काला सुरमा दबाएं। तुला राशि वालों, शुक्राचार्य आपके तीसरे स्थान पर गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपके पास चाहे कितनी ही धन संपत्ति हो, आपको सुख की नींद आने में परेशानी आ सकती है। आपको इस दौरान अपनी मेहनत के अनुसार ही फल प्राप्त हो पाएंगे। 27 फरवरी तक आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। साथ ही शुक्र की अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं का सम्मान करें। साथ ही अपने जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार बनाकर रखें। वृश्चिक राशि वालों, शुक्राचार्य आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी होगी। आपको आजीविका के नए साधन मिल सकते हैं। आपको सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। इस दौरान पशुपालन और कच्ची मिट्टी के काम से जुड़े लोगों को दुगना फायदा मिलेगा, लेकिन इस दौरान आपको अपने शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। शुक्र के अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 200 ग्राम गाय का घी मंदिर में दान करें। धनु राशि वालों, शुक्राचार्य आपके पहले स्थान पर गोचर करेंगे। पहला स्थान लग्न का यानी स्वयं का। शुक्र का यह गोचर आपके लिए शुभ फलदायक होगा। 27 फरवरी तक आपका और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। साथ ही आपको हर तरह के सुख की प्राप्ति होगी। नौकरी के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपको संतान और वाहन आदि का भी सुख मिलेगा। लिहाजा 27 फरवरी तक शुक्र की इन सब शुभ स्थिति का लाभ उठाने के लिए अपने नहाने के पानी में एक चम्मच दही डालकर नहाएं। मकर राशि वालों, शुक्राचार्य आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपको दूसरों की सहायता पाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी। 27 फरवरी तक आपके जीवन साथी को कुछ परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। आपका स्वास्थ्य भी ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। साथ ही गृहस्थ सुख पाने के लिए आपको कोशिशें करनी पड़ेंगी। लिहाजा शुक्र की शुभ अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन गौ माता का आशीर्वाद लें। कुंभ राशि वालों, शुक्राचार्य आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपकी सुंदरता बनी रहेगी। आपका स्वभाव कुछ बदला हुआ सा रहेगा। आपको धन का लाभ मिलेगा। अगर आप अपने हर काम जीवन साथी की सलाह से करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। बहुत दिनों से अधूरी पड़ी आपकी कोई इच्छा भी पूरी होगी। शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में चमेली का तेल दान करें। मीन राशि वालों, शुक्राचार्य आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपको अपने करियर में सफलता प्राप्त होगी। साथ ही आपको अपने कार्यों में पिता से सहयोग मिलेगा और 27 फरवरी तक आपके पिता के करियर को भी 4 चांद लगेंगे। इस दौरान आपको तरक्की के कई मौके मिलेंगे और आप भी उन मौकों का पूरा पूरा फायदा उठाने में सफल रहेंगे। साथ ही आपको वाहन आदि का सुख मिल सकता है। लिहाजा 27 फरवरी तक शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में दही या दही से बनी चीजों का दान करें। तो ये थी सारी चर्चा आज शुक्र के धनुराशि में मार्गी गोचर के बारे में। शुक्र के धनुराशि में मार्गी होने पर विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव होगा, शुक्र उनके किस स्थान पर गोचर करेगा और उस स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसके बारे में चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, किसी दूसरे शहर से आपको नौकरी के लिए अच्छा ऑफर मिलेगा। B, आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपके काम आसानी से पूरे होंगे। C, आज किसी काम को पूरा करने में थोड़ा अधिक समय लग सकता है। D, आज का दिन बेहतरीन रहेगा, किसी से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती होगी। E, रिटेलर्स के लिए आज का दिन अच्छा है, आपको काम में बड़ा मुनाफा मिलेगा। F, आज किस्मत के दरवाजे खुले रहेंगे, आपको कोई बड़ी कामयाबी मिलेगी। G, किसी काम में आप ज्यादा ही व्यस्त रहेंगे, समय से पूरा भी कर लेंगे। H, अगर नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो अच्छा मुहूर्त देखकर ही करें।
आई पार्टनर के साथ दिन अच्छा गुजरेगा, साथ में कॉफी पीने जाएंगे। जे आज कुछ जरूरी कागज पूरे होने न होने पर सरकारी काम में थोड़ा समय लग सकता है। के आर्थिक पक्ष उत्तम रहेगा, घर वालों की राय आपके लिए फायदेमंद होगी। एल आज घर पर मिलने दोस्त आएगा और पारिवारिक बातें शेयर करेगा। एम आज अविवाहितों के लिए विवाह की चर्चा होगी, कोई अच्छा रिश्ता भी मिलेगा। एन आपका काम बिना रुकावट के पूरा होता जाएगा, जिससे मन प्रसन्न होगा। ओ आज हर तरह से मजबूत रहेंगे, किसी भी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। पी आपके लिए आज का दिन बहुत ही शानदार रहेगा, कहीं घूमने जाएंगे। क्यू पब्लिकेशन हाउस चला रहे लोगों को आज कोई बड़ा ऑर्डर मिलेगा। आर आज जल्दबाजी में फैसला न ले, बिना वजह आपका काम बढ़ सकता है। एस अगर किसी अपने के लिए गिफ्ट खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। टी जीवन साथी के साथ समय बिताएंगे, जिससे रिश्ते और मजबूत होंगे। यू आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपकी मदद करेंगे। वी अगर कोई कुछ खरीदने का मन बना रहे हैं तो शुभ मुहूर्त देखकर ही खरीदें। डब्ल्यू इंजीनियर्स के लिए दिन अच्छा रहने वाला है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा। एक्स आज पूरे दिन खुश नजर आएंगे, परिवार में भी खुशियों का माहौल रहेगा। वाई आपके लिए आज का दिन खुशनुमा रहेगा, परिवार के साथ लंच करेंगे। जेड आपको परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे काम की गति तेज होगी। और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के सांवेर जिले में। यहाँ स्थित है हनुमान जी का एक अनोखा मंदिर, जिसे उल्टे हनुमान मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा उल्टी है, अर्थात यहाँ पर हनुमान जी सर के बल खड़े दिखाए गए। इस जगह को लेकर मान्यता है कि ये वही स्थान है जहाँ से हनुमान जी ने त्रेता काल में पाताल लोक में प्रवेश किया था। दरअसल जब अहिरावण भगवान राम और लक्ष्मण जी को पाताल ले गया था, तब उन्हें छुड़ाने के लिए हनुमान जी ने पाताल में प्रवेश कर अहिरावण का संहार किया था। माना जाता है कि यहाँ 3, 5 या 7 मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करने से मनोकामना पूरी होती है, तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे आकृति में टेढ़े मेढ़े दांत वाले लोगों के बारे में। टेढ़े मेढ़े या कहें ऐसे दांत जिनकी कोई एक आकृति न हो, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जहां सीधे सपाट दांत वाले लोगों को दूसरों के सामने अपना काम प्रदर्शित करना अच्छा लगता है, तो वहीं दूसरी तरफ आकृति में टेढ़े मेढ़े दांत वाले लोगों को अपना काम छुपा कर करना अधिक पसंद होता है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि दूसरे लोगों को इनके काम के बारे में ज़्यादा कुछ पता चले, इसलिए अपना काम या अपनी बात छुपाने के लिए कभी कभी झूठ का सहारा भी ले लेते हैं। साथ ही ये लोग जल्दी से किसी की मदद लेना भी पसंद नहीं करते, ये अपना दोस्त भी उन्हीं लोगों को बनाते हैं जिनसे इन्हें कोई लाभ हो सके। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा आकृति में टेढ़े मेढ़े दांत वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 29 जनवरी को माघ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। द्वादशी तिथि में पूतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदाबहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। द्वादशी तिथि आज रात 8:30 तक रहेगी, उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। त्रयोदशी तिथि कल शाम 5:29 तक रहेगी। त्रयोदशी तिथि में बैंगन का सेवन करना निषिद्ध है, ये आपके संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। लिहाजा आज रात 8:30 तक आपको पूतिका यानी पोई के साग का सेवन अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद कल शाम 5:29 तक आपको बैंगन का सेवन करने से बचना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत ह्रीं 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 फट फट ठह ठह एहे एहे रुद्र आज्ञापयति स्वः। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज घर के उत्तर पूर्व कोने में अगरबत्ती जलाकर घर से निकलिए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 0124-472-1000 और 9971000226।
भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।